ऑलमोस्ट सेम. तू बाल कॉम करेगा ना तो राघव टॉलर है. बाल के साथ सेम. मैं लंबा हूँ. यू नॉट. Yes, I'm back with another vlog. I know it's been really long. Almost 3 महीने हो गए कि मेरा last vlog आया था. And उसमें भी मेरा last vlog में मैंने कुछ बात नहीं की थी. It was in February. मेरा birthday vlog था. सिर्फ cinematic shots डाले थे उसमें. And उसके बाद जो 3 महीने चले गए उसमें इतनी चीज़ें बदल गई कि मैं vlog नहीं कर पाया. ओके, तो इन 3 महीनों में भी आई वॉज सपोज टू व्लॉग. मैंने इनफैक्ट 2 व्लॉग्स शूट करने का ट्राई भी किया. इनफैक्ट जो पहला व्लॉग था उन दोनों में से मैंने वो पूरा का पूरा शूट कर लिया था. एंड आई वॉज सपोज टू शो यू चर्नी रोड, मरीन लाइन्स एंड गिरगांव चौपाटी एंड CST इन दैट व्लॉग. चारों मैंने कवर कर लिया था. मैंने इनफैक्ट पूरा का पूरा व्लॉग शूट करके तैयार रखा था फॉर एडिटिंग, बट ड्यू टू सम रीजन आई कुडंट एडिट द व्लॉग एंड वो वैसा ही रह गया. एंड अगर अभी मैं वो व्लॉग को एडिट करता हूँ तो इट वॉन्ट मेक एनी सेंस. ऑल्सो जो सेकंड ब्लॉग था मेरे दिमाग में, मैंने वो शूट करना स्टार्ट भी कर दिया था बट मैं वो पूरा शूट नहीं कर पाया बिकॉज उस दिन इंटरव्यू आ गया था स्टैंडिंग अपार्ट का, जो आपने आई थिंक देख लिया होगा स्टैंडिंग अपार्ट के चैनल पे, रंजीत दहिया वाला इंटरव्यू, द बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट इंटरव्यू. तो एनीवे, आज है 23rd में. एक मिनट यहाँ पे लाइटिंग कम है. दिस इज बेटर. सो एज आई वाज सेइंग कि आज है 23rd मे एंड दोपहर के बज रहे हैं 1. आई एम सपोज टू गो टू माई कजिन्स प्लेस राइट नाउ बट आई हैव नॉट हैड माई लंच. तो आई विल क्विकली हैव माई लंच एंड आई विल गेट बैक टू यू गाइस. ओके, तो लंच हो गया है एंड अभी मैं ये कैमरा शिफ्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ. बट इसमें इस ट्राईपॉड का एक ही प्रॉब्लम है कि ये जो नट है ये ढीला है. तो व्हेन आई ट्राई टू स्क्रू द ट्राईपॉड ऑन द कैमरा वो ढंग से होता नहीं है. एंड देन आई हैव टू डू इट विद दिस स्पून ऐसे. जुगाड़, जुगाड़ इज एवरीथिंग. ओह माय गॉड, आई लुक लाइक अ कॉन्विक्ट. ये मेरे मम्मी की पुरानी कोई तो भी चुन्नी है विच आई हैव यूज्ड बिकॉज बाकी कुछ मिला नहीं. ऑल्सो इवन यू शुड कवर योर सेल्फ लाइक दिस वाइल गोइंग आउट इन द सन बिकॉज यहाँ की धूप बहुत ज्यादा है. एनीवेज, सिंस आई एम ऑलरेडी लेट, लेट्स लीव. परफेक्ट. अब धूप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती. इट इज इजीली ओवर 40 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ. ओ माय गॉड. और मैं करंटली जगह जगह पे सीमेंट रोड का काम चल रहा है. इतने सारे रास्ते खोद के रखे थे. ऑल दो लास्ट टाइम जब मैं आया था तब इससे ज़्यादा था. इस बार काफ़ी काम कंप्लीट हो चुका है बट स्टिल आधे आधे ऐसे रास्ते बंद करके रखे हुए हैं जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रही है. पहले इतने चौड़े चौड़े रास्ते थे, ऊपर से रास्तों के साथ साथ मेट्रो का काम भी लगा के रखा है इन्होंने जिसकी वजह से रास्ते और भी मुश्किल हो गए हैं और गर्मी भी बढ़ गई है धूल के साथ साथ. नागपुर की गर्मी से निकल के अपन आ गए एकदम मस्त ठंडागार एसी के नीचे. अभी मैं अपने भाई के घर पे आया एंड थोड़ी देर पहले हम टीवी देख रहे थे. टीवी पे इलेक्शन के रिजल्ट्स फ्लैश हो रहे हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन सब हमने इंटरेस्टिंग डिस्कशन किया. एंड कीपिंग दैट असाइड, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई ब्रदर हियर. ये है अथर्व. हेलो भाई.
अपने भाई भी इधर मुंबई में जर्नलिज्म सीख रहे हैं एंड ही इज़ वेरी वेल वर्स्ड विथ हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स. तो अगर आपको कुछ भी हिस्ट्री या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड डाउट रहा, कुछ जानना हो तो कॉमेंट सेक्शन में बताओ, अपन इसके साथ एक अलग से व्लॉग लेंगे एकदम इन्फॉर्मेटिव वाला. तो हमारे डिस्कशन की एक इंटरेस्टिंग सी झलक आपको दिखाऊंगा इसके बाद. फॉर्म्स ऑफ मीडिया आर चेंजिंग, पीपल डोंट टेंड टू रीड अ लॉट, पीपल डोंट टेंड टू राइट अ लॉट. अटेंशन स्पैन और द रीडेबिलिटी स्पैन हैज रिड्यूस्ड टू 30 सेकंड्स फ्रॉम 3 मिनट्स. इट्स द एज ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया वेर यू डोंट लाइक समथिंग यू शफल इट अवे, यू डोंट लाइक समथिंग यू चेंज द वीडियो एंड दैट्स हाउ इट गोज. ये आर्टिकल कहीं मुझे भी पढ़ा हुआ याद है कि एक ह्यूमन एवरेज ह्यूमन का अभी अटेंशन स्पैन इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ गोल्ड फिश. मैंने कहीं तो भी पढ़ा था कि गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन इज 9 सेकेंड्स एंड अभी जो एवरेज अपना आया है ह्यूमन्स का इट इज अराउंड 8 सेकेंड्स, विच इज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वी वर वेरी गुड रीडर्स, वी वर वेरी गुड अटेंटिव रीडर्स एंड स्पीकर्स. आजकल इतना कम हो गया है ड्यू टू डिजिटल मीडिया एंड स्टफ. अभी हम खाने वाले हैं नानी के हाथ का पास्ता. यहाँ पे आने का एक ही बहुत अच्छा फायदा है कि अलग अलग चीज़ें खाने मिलती है एंड यू गेट इट सर्व टू यू. जाने की कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है अनलाइक मुंबई में जहाँ पे खुद का खाना खुद ही देखना पड़ता है. रोड का मच्छर मस्त वाला है जी. चलो बाय बाय. अभी तक अंदर कूलर में बैठे तो इतना अच्छा ठंडा लग रहा था, बाहर निकलते से वापस से गर्मी शी यार. अभी बज रहे शाम के 5:30 और अभी मैं एक कैफे जा रहा हूँ टू मीट माय फ्रेंड्स. इट बीन अ रियली लॉन्ग टाइम सिंस आई लास्ट मेट देम. तो अभी वहाँ जाऊँगा फिर वहाँ पे देखते हैं, थोड़ा एंजॉय करेंगे. पिछले छः महीनों में नागपुर का कैफे सीन हैज ग्रोन रैपिडली, बहुत ज़्यादा कैफेज खुल गए हैं. कितना डिफरेंस है हाइट में? ऑलमोस्ट सेम. तू बाल कॉम करेगा ना तो राघव टॉलर है. बाल के साथ सेम. मैं लंबा हूँ. यू नॉट. आ गए अपन सोशल ब्रू, अंदर जाएंगे. बैग तो ले ले तेरी. रात के 9 बज रहे हैं, बैक होम. सोशल ब्रू गया था यहाँ का एक कैफे, दोस्तों के साथ बहुत बातें किया, मस्ती किया, बहुत मजा आया, खाया पिया एंड इट वॉज अ ग्रेट फन कैचिंग अप विद ऑल माई फ्रेंड्स आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम. कुछ लोगों से मैं ऑलमोस्ट 3-3 या 6-6 महीने बाद मिला हूँ तो मजा आया बातें करके एंड आई होप आपको भी ये वीडियो देखने में उतना ही मजा आया होगा. आई नो ये वीडियो थोड़ा ऐसे बिट्स एंड पीसेस में बनाया बिकॉज मैं बहुत दिन बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट आई एम डूइंग, कैसी कंटिन्यूटी है व्लॉग की. बट इफ आई बी मोर रेगुलर, मतलब आज से अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि रोज़ व्लॉग करूँ, विच आई एम गोना बी डूइंग, रोज़ नहीं पर रेगुलरली व्लॉग करूँ, तो फिर थोड़ी कंटिन्यूटी बिल्ड होना शुरू होगी व्लॉग में. सो इफ यू एंजॉयड दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. आप यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक द वीडियोस एंड वांट मी टू डू बेटर. ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन एंड कीप वॉचिंग. बाय बाय. ओहो एक नंबर. किधर हो तुम अभी? बॉम्बे 17 में भाई, तुम किधर हो?